दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम, आप सभी को ढेर सारा प्यार। और साथ में यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सैनिक स्कूल मैनपुरी का नाम आपने सुना ही होगा, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एटा के पास में यह आपका डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी पांच भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म आपको ये वाला फॉर्म आपको जो भरना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ वाला ये वाला फॉर्म भर के आप ये डिस्ट्रिक्ट का नाम देख सकते हैं, यहाँ पर जो है सैनिक स्कूल। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपका जो है आपका 10th क्लास हो गया, 12th क्लास हो गया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दे रखा है यहाँ पर जो है ये। और यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन है ना, पूरा PDF मैंने डाउनलोड कर लिया है। और यहाँ पर जो है ये ऊपर आएंगे है ना, और ऊपर आएंगे और यहाँ पर जो है ये वैकेंसी, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये रिक्वायरमेंट नोटिस है ना। तो आपका जो सैनिक स्कूल मैनपुरी के अंतर्गत भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ पर दिया हुआ है ये सब जो पूरी लोकेशन। यहाँ पर जो है ये नर्सिंग के जो है असिस्टेंट की भर्ती के लिए 25,000 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी। और यहाँ पर आएंगे TJD साइंस के हैं कि क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर कितने कितना है ये सैलरी आपको 26,250 रुपये आपको जो है सैलरी इसमें दिया जाएगा। काउंसलर की सैलरी 26,250 रुपये है यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और आर्ट मास्टर की सैलरी यहाँ पर दे रखी है 21,250 सैलरी यहाँ पर जो आपको इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। 30,000 रुपये सैलरी जो है आपको ये जो है नर्सिंग सिस्टर के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है बताया गया पूरी क्वालिफिकेशन के लिए जो है आपको करना क्या पड़ेगा भैया, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पर जाके आप ये वाला फॉर्म आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और भर सकते हैं। मैंने भी जो है यहीं से इसको डाउनलोड किया है और भर दिया, ठीक है। अंतिम तिथि का यह अपडेट याद रखिए 27 दिसंबर 2023, इसमें आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर जो है ये बताएगी 27 दिसंबर को, ठीक है। अभी आपके पास डेट है, अभी भर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा है ना। और यहाँ पर जो है ये वाला जो एड्रेस आप आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला एड्रेस भर दीजिएगा। साथ में वो नर्सिंग की और टीचर की थी, और साथ में जो है सैनिक स्कूल के अंदर चपरासी और आपका जो क्लर्क है ना, क्लर्क और चपरासी भर्ती भी की भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। इसके विज्ञापन आपको जनवरी के पहले सप्ताह में देखने को 100% मिल जाएगा, जो जानकारी प्राप्त हुई यहाँ पर जो है। और आपको जो सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाना है, आपका प्रयागराज फतेहपुर प्रतापगढ़ कौशाम्बी असास के साथ आप जो इंटर कॉलेज होते हैं वहाँ पर भर्ती आ चुकी है ना 27 दिसंबर, इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये संविदा की नौकरी है, कर लीजिएगा है ना। अब घर के घर में नौकरी है, आप समझ सकते 11,078 रुपये सैलरी इसमें आपको दी जाएगी। अगर मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और 3 जिलों से भर्ती भी और चल रही है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करें प्लस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।